नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा की सिरसा विधानसभा सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। गोपाल कांडा ने दिल्ली में हरियाणा भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। चर्चा है कि कांडा ने 15 विधानसभा सीटें मांग ली हैं। कांडा का प्रदेश में वैश्य और पंजाबियों में अच्छा जनाधार है। हलोपा की सोच है कि जिन सीटों पर भाजपा को चुनाव में जीत मुश्किल लगती है, उन सीटों पर हलोपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि पिछले दिनों पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि भाजपा हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गोपाल कांडा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि हलोपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA का घटक दल है। लोकसभा चुनाव में भी HLP यानी कि हलोपा सहयोगी दल के रूप में समर्पित सहयोग किया है। आज की मुलाकात में विभिन्न विषयों और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई है। हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने पहले दिन से हरियाणा की भाजपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। एलनाबाद उपचुनाव के दौरान गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भाजपा में शामिल हो गए थे। तब गोविंद कांडा को भाजपा, जसपा और हलोपा का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थक में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला से चुनाव हार गए। कांडा ने सिरसा में भाजपा उम्मीदवार तवर का साथ दिया। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा ने डॉक्टर अशोक तवर को उम्मीदवार बनाया था। जब अशोक तवर का सभी ने साथ छोड़ दिया था, तब गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा और भाजपा नेता मीनू बेनीवाल ने तवर के चुनाव को उठाने का काम किया। हालांकि चुनाव कांग्रेस की कुमारी सैलजा जीत गई। हरियाणा की सियासत में गोपाल कांडा का नाम उस समय चर्चा में आया जब 2004 के विधानसभा चुनाव से पहले सिरसा पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री OP चौटाला को कांडा ने नोटों की गड्डियों से तोला। कांडा ने तत्कालीन CM चौटाला को सिरसा के शहीद भगत सिंह चौक में नोटों से तोला था। ऐसी चर्चा रही कि कांडा ने तब चौटाला के वजन के बराबर तराजू में 80 लाख रुपए रखे थे। ये खबर अखबारों में खूब सुर्खियां बनी। उसके बाद ही सिरसा के लोगों को पहली बार गोपाल कांडा के होने का एहसास हुआ। वहीं साल 2009 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा ने सिरसा सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और हुड्डा सरकार में उद्योग मंत्री रहे। लक्ष्मण दास अरोड़ा को हराकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तब कांग्रेस ने 40 सीटें जीती और इनेलो 32 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। गोपाल कांडा ने उस समय के सियासी हालात का फायदा उठाते हुए निर्दलीय जीतने वाले 5 से 6 विधायकों को रातों रात साधते हुए उनका समर्थन हुड्डा को दिलवा दिया। लगातार दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांडा को बतौर इनाम अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए गृह राज्य मंत्री की कुर्सी दे दी थी। तो ऐसे में अब हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि हलोपा के विधायक गोपाल कांडा ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने मुलाकात कर विधानसभा सीटों में 15 सीटें मांगी है। तो ऐसे में BJP टेंशन में आ गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook चैनल को फॉलो जरूर करें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार।